राजधानी ऐषारामी ऐरिया वासवागिरुव राजकीय मुखंडरु मंत्री प्रवाहद समस्ये एदुरिसुव परिस्थिति उंटागिदे। एसपी संसद राम गोपाल यादव मनेगे नीरु नुग्गिद परिणाम अवरन्न सिब्बंदि हेगलल्लि एत्तिकोंडु कारिनल्लि कूरुवंते माडबेकायितु। देहलियल्लि सुरिद मोदल मळे सार्वजनिकरिगे मत्तु गण्य व्यक्तिगळिगू तोंदरे कोट्टिदे। देहलिय अत्यंत ऐषारामि प्रदेशगळल्लि वास माडुवंतह राजकीय नायकरन्नु मळेय अब्बर बिट्टिल्ल। शुक्रवार बेळगे समाजवादी पक्षद संसद राम गोपाल यादव अवर मनेगू नीरु नुग्गित्तु। शुक्रवार बेळगे समाजवादी पक्षद संसद राम गोपाल यादव अवर मनेगू नीरु नुग्गित्तु। मनेय आवरण जलावृतगोंडित्तु। संसत्तिगे तेरळलु होरटिद्द अवरन्न ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಿಸಬೇಕಾಯಿತು। ಸಂಸದ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾರಣ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತೆರಳಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು। ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು। ನೌಕರರು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕರೆತಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದರು। ಇದಾದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತೆರಳಿದರು। ನಾನು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು। क्या करना पड़ा? एक गाड़ी यहां तक लाए तो ये करना चाहिए, जबकि मैं 4 बजे से एनडीएमसी के अधिकारियों से बात कर रहा हूं, 4 बजे से। लेकिन आप कह रहे कोई पंप लाके पानी निकालें, वरना घर में पानी तो घुस ही गया है, उससे नुकसान हो रहा है। फ्लोरिंग वगैरह मैंने कल परसों ही कर हुई थी, ये हमारी ऑफिस थी, वो सब खराब हो गई, लाखों रुपए का नुकसान, सामान बर्बाद हो गया। चलिए बारिश को लेकर आज जो हुआ है इसको क्या कहना चाहेंगे? ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है, इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहां बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंदर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं, और मंत्री हैं, नेवी हैं, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए, तो ये करना चाहिए, जबकि मैं 4 बजे से एनडीएमसी के अधिकारियों से बात कर रहा हूं, 4 बजे से। लेकिन आप कह रहे कोई पंप लाके पानी निकालें, वरना घर में पानी तो घुस ही गया है, उससे नुकसान हो रहा है। फ्लोरिंग वगैरह मैंने कल परसों ही कर हुई थी, ये हमारी ऑफिस थी, वो सब खराब हो गई,